सनसनी। वो तलवार लहराती है, वो कटार चलाती है, वो रिवॉल्वर दिखाती है, वो धमकियां देती है और वो वसूली का धंधा करती है। खूबसूरती के पीछे खौफ का चेहरा। शहर में आई लेडी डॉन, तलवार वाली रिवॉल्वर रानी। चेहरे पर मासूम सी मुस्कान, अंदाज बिंदास और बोल्ड, अदाओं में शोखियां और आंखों में मदहोशी। इस खूबसूरत लड़की को देखकर आप क्या कहेंगे, ये लड़की ब्यूटी क्वीन है या मॉडल, ये कोई फिल्म की हीरोइन है या फिर टीवी की अदाकारा? इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी जहन में यही सवाल कौंधेगा, लेकिन असलियत सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। क्योंकि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा। ये लड़की न तो कोई हीरोइन है और न ही माया नगरी की मॉडल, ये है गुनाह का धंधा करने वाली शहर की लेडी डॉन। ऐसी खतरनाक लड़की जो गुजरात के सूरत शहर में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। ऐसी खतरनाक हसीना जिसकी करतूतों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। उसका शौक है, लेकिन धमकी देकर वसूली करना उसका धंधा बन चुका है। उसके गुनाह ने बना दिया है उसे लेडी डॉन। आप भी देखिए उस खूबसूरत खौफ का असली चेहरा। सूरत और आसपास के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी इस लड़की का असली नाम है अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी। आपने इसका नाम तो जान लिया, अब आप इस खूबसूरत चेहरे के गुनाहों की कहानी भी देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसके गुनाह की सबसे ताजा कहानी। तारीख थी 21 मई 2018, वक्त हुआ था सुबह के 6:11 और जगह थी सूरत के वराछा इलाके की वर्षा सोसाइटी। उस वक्त सड़कों पर चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। वर्षा सोसाइटी में पान की दुकान चलाने वाला एक शख्स अपनी दुकान में बैठा था, तभी अपने एक दोस्त के साथ वहां आ धमकी अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी। उसके एक हाथ में तलवार थी और वो देखते ही देखते तलवार लहराते हुए दुकान के अंदर जा घुसी। पान की दुकान पर बैठा शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही भूरी ने उस पर तलवार तान दी। तलवार वाली हसीना भूरी अपने नकाबपोश साथी के साथ मिलकर जिस दुकान पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रही थी, वहां दो लोग पहले से ही मौजूद थे। लेकिन भूरी के खतरनाक तेवर देखकर वो दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से 9:50 हो गए। इतना ही नहीं, दुकान पर खड़े एक और शख्स ने भी वहां से निकलने में ही भलाई समझी। धमकी से डरकर दुकान में मौजूद शख्स शटर गिराने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी भूरी फिर से आ धमकी और उससे पैसों की मांग कर डाली।
तलवार देखकर थर थर कांप रहा दुकान का मालिक भला इनकार की हिम्मत कहां से लाता। उसकी जेब में और दुकान के गल्ले में जितने भी रुपए थे वो सब के सब डर के मारे उसने भूरी के हवाले कर दिए और चुपचाप अपनी जान बचाकर वहां से चलता बना। सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं कि जिस वक्त बीच सड़क पर यह गुंडागर्दी हो रही थी तब वहां से कई लोग गुजरे, लेकिन कोई भी दुकान मालिक की मदद के लिए वहां रुका नहीं। शायद इसी का नतीजा था कि पान की दुकान के मालिक को लूटने के बाद लुटेरी हसीना और उसके नकाबपोश दोस्त ने एक दूध वाले को अपना निशाना बना डाला। चमचमाती तलवार देखने के बाद भला किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो इन लुटेरों को अपनी मेहनत की कमाई देने से इनकार कर पाते। लेडी डॉन अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी के नकाबपोश दोस्त का नाम राहुल उर्फ कोदो बामणिया बताया जाता है। इन दोनों ने सड़क से गुजरने वाले कई लोगों को तलवार दिखाकर उनसे जबरन वसूली की, लेकिन कोई भी शख्स डर के मारे उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और फिर वो दोनों मौका वारदात से फरार हो गए। वराचा पुलिस स्टेशन विस्तार के वर्षा सोसाइटी विस्तार में ये अस्मिता बेन गोहिल उर्फ भूरी और उसके साथ राहुल उर्फ गोदो मनुभाई भांभणिया नाम का युवक ये मोटरसाइकिल पे प्राणघातक हथियार के साथ दुकानदार को धमका के पैसे की लूट करने का मामला सामने आते ही इसके खिलाफ गुनाह दर्ज करके कई सभी कार्रवाई करी है। पूरी और उसके साथी राहुल के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लूटपाट का शिकार बने लोगों में से किसी भी शख्स ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन तीन दिन बाद जब पूरी और उसके साथी की काली करतूत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हरकत में आ गई सूरत पुलिस। सूरत पुलिस ने जब लेडी डॉन के खिलाफ तहकीकात शुरू की तो उसके गुनाहों की पोल खुलती चली गई। पुलिस ने पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें खंगाली तो सामने आई लूटपाट की एक और कहानी। लेडी डॉन अस्मिता गोहिल और भूरी के गुनाहों की एक और दास्तान सुना रही है सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें। इस वीडियो में भी भूरी के हाथों में तलवार नजर आ रही है और उसके साथ ही राहुल ने नकाब से चेहरा ढक रखा है। उन दोनों ने दुकान के अंदर मौजूद लोगों को डराया धमकाया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये वीडियो भी 21 मई का ही है। सीसीटीवी कैमरा की घड़ी के मुताबिक जिस वक्त लुटेरी हसीना भूरी इस दुकान के अंदर अपनी तलवार लहराकर कहर ढा रही थी तब सुबह के करीब 6 बजे का वक्त था। मतलब ये कि सुबह 6:11 पर पान की दुकान के सामने गुंडागर्दी करने से पहले भूरी और उसके दोस्त राहुल ने इस दुकान को अपना निशाना बनाया था। तहकीकात में जुटी सूरत पुलिस ने फिलहाल उस पान वाले को ढूंढ निकाला है जिससे गोहिल और भूरी ने तलवार दिखाकर जबरन वसूली की थी। भूरी और उसके दोस्त राहुल के खिलाफ लूटपाट धमकी और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 से 7 बजे के आसपास की घटना है और दुकानदार को पैसे बलजबरन लूट करने की ये घटना है और वो दुकान बंद करवाने का डर बता के पैसे ले रहे थे। ये पहला मौका नहीं है जब भूरी का नाम सूरत पुलिस की फाइलों में दर्ज हुआ है। इससे पहले भी ये कई बार जेल की हवा खा चुकी है। करीब 2 महीने पहले होली के वक्त भी भूरी डॉन का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पुराने वीडियो में भी अपने साथियों के साथ सड़क पर खुलेआम छुरे और तलवारें खुलेआम लहराती नजर आ रही थी भूरी। गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आने के बाद सूरत पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जमानत पर रिहा होते ही उसने गुंडागर्दी और जबरन वसूली का धंधा फिर से शुरू कर दिया। करीब 2 महीने पहले अस्मिता गोहिल और भूरी को गिरफ्तार करने के बाद सूरत पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब
एक दिन के अंदर ही गुंडागर्दी की दो दो वारदातों ने सूरत पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। पहले भी ये जो महिला आरोपी है इनके खिलाफ तीन चार मामले दर्ज है। फरवरी महीने में भी इनका एक और वीडियो वायरल हुआ था, तो उस टाइम भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब पुलिस सफाई दे रही है कि पूरी एक शातिर अपराधी है। परिवार वालों ने उससे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। वो अपने दोस्त राहुल के साथ ही रहती है। पुलिस का कहना है कि लेडी डॉन कोई नशा नहीं करती। पहले गुंडों के साथ घूमना उसका शौक था और ये शौक ही बाद में उसके गुनाह का धंधा बन गया और सूरत शहर में अब खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है ये हसीना। सनसनी के लिए सूरत से धनराज वागले की रिपोर्ट। सनसनी।